हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनको सीरीज चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको रेडमी फ़ोन्स या फिर एमआई ब्रांड के फ़ोन्स पर सबसे पहले म्यू के ऑफिशियल अपडेट्स या फिर म्यू के सॉफ्टवेयर अपडेट्स सबसे पहले कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस रीजन को इसलिए शो कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में म्यू कंपनी ने अपना एक नया वर्जन म्यू 11 रिलीज किया था, जहाँ पर मुझे उसका म्यू 11 वर्जन काफ़ी जल्द ही मिल गया था और मेरे दोस्तों को काफ़ी देर से मिला था। तो दोस्तों, आज मैं इसीलिए इस रीजन को शो करने जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी हाल ही में म्यू कंपनी ने अपना एक नया वर्जन लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों, यह वर्जन म्यू 11 वर्जन का आगे का वर्जन है। तो दोस्तों, मैं आज जो आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ उस सेटिंग को ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको वह म्यू 11 का नया वर्जन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमें अपने डिवाइस में इस सेटिंग को करने के लिए हमें अपने डिवाइस पर अवेलेबल सेटिंग वाले ऐप पर जाना होगा। तो दोस्तों, चलिए हम इस सेटिंग वाले ऐप पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों, हमें सबसे ऊपर दिख रहे अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों अब हमें दोबारा से सबसे ऊपर दिख रहे सिस्टम अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी करंट अपडेट वर्जन अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों, आप साथ ही देख सकते हैं ये म्यू 11 वर्जन है जो कि स्टेबल वर्जन है। दोस्तों, आपको भी याद है अगर आप अपने मोबाइल डिवाइस पर सबसे पहले अपडेट्स पाना चाहते हैं तो दोस्तों आपका वर्जन म्यू 11 वर्जन होना चाहिए जो कि स्टेबल हो। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों, हमें सबसे ऊपर दिख रहे आई आइकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों हमें अब दूसरे नंबर पर दिख रहे अपडेट सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस दिखाई देंगे। मैं आपको दोस्तों ये सारे ऑप्शंस बारीकी से समझाने वाला हूं, तो दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। दोस्तों, पहले वाले ऑप्शन डाउनलोड ऑटोमेटिकली का मतलब है अगर आपके डिवाइस पर कोई भी अपडेट अवेलेबल है और दोस्तों आपका डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट है तो दोस्तों यहाँ पर आपका वो अपडेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम इसे ऑन कर देते हैं। और दोस्तों, अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं जिसका मतलब है डाउनलोड यूजिंग वाईफाई डेटा, जिसका मतलब है दोस्तों अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो दोस्तों और आपने अगर टाइम सेट कर रखा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइम सेट कर रखा है 11:30 रात के और 11:59 रात तक, तो दोस्तों इस टाइम अगर कोई भी अपडेट अवेलेबल है तो दोस्तों वो अपडेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इसे ऑन कर लिया जिससे कि मेरा डेटा बेकार ना जाए अगर मैं रात को डेटा छोड़ देता हूँ थोड़ा बहुत भी। तो दोस्तों, चलिए आप देखते हैं हम तीसरे ऑप्शन के बारे में, इंस्टॉल ऑटोमेटिकली। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप अपने डिवाइस को यूज़ नहीं कर रहे हैं रात के वक्त और दोस्तों आपके डिवाइस पर कोई भी अपडेट इंस्टॉल होने के लिए रेडी है तो दोस्तों वो अपडेट हो जाएगा, मतलब कि दोस्तों इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, हमें इससे भी एतराइज़ नहीं है, हम इसे ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए आप देखते हैं हमारे चौथे ऑप्शन के बारे में, रिसीव अपडेट्स अर्ली। दोस्तों, इसका मतलब यह है अगर म्यू कंपनी कोई भी अपडेट्स भेजती है तो दोस्तों आपको वो अपडेट सबसे पहले मिलेगा और पहले दिन ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस सेटिंग को ऑन करके रखना है जिससे कि आपको सबसे पहले वो अपडेट मिल सके और दोस्तों आप अपने दोस्तों को वो अपडेट सबसे पहले दिखा सकें। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन के बारे में। इसका मतलब दोस्तों यह है कि अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर शॉर्टकट मिल जाएगा, जो कि दोस्तों देखिए यहाँ पर आपकी सेटिंग पर वो इंटरफेस पर दिखाई दे रहा है अपडेटर के नाम से। दोस्तों, ये कुछ ऐसा है जिसकी सहायता से आप तुरंत अपडेट देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक फालतू का ऑप्शन है, वैसे तो काम का है पर दोस्तों हमें इसे ऑन करके नहीं रखना है। दोस्तों, अगर आप इसे ऑन करके रखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसे ऑन करके रख भी सकते हैं पर दोस्तों ये कुछ खास ऐड नहीं है तो दोस्तों मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, पर दोस्तों आपकी मर्जी है। दोस्तों, याद है हम इस सेटिंग को ऑन करके रखेंगे जो कि रिसीव अपडेट्स अर्ली के नाम से है। तो दोस्तों, चलिए आपके लिए यही प्रोसीजर था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें
और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिख रहे हैं बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के वीडियोस तुरंत मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की नकली वीडियो में।